हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान माउंट प्रोडक्शन में। तो दोस्तों, आज मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी बातें करें। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती भी है और इस खास दिन पे जो सौगात हमें मोदी जी ने दिया है ना, वो वाकई ये हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। उतनी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उनकी जो प्रतिमा इतनी ऊंचाई पे है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अच्छा तोहफा हम देशवासियों के लिए मोदी जी दे सकते थे। गर्व होता है, मुझे सीना चौड़ा हो जाता है जब हमारा मतलब कुछ ऐसा होता है कि विश्व में एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। तो हो भी क्यों नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऐसा काम ही किया था। उन्होंने क्या किया था, एक छोटी मतलब उन्होंने जैसे अब एक माला होता है, माला में मतलब फूल होते हैं, फूल मिलके माला बनता है, तो मतलब उन्होंने ना सारे फूलों को पिरोने का काम किया है, एक जगह लाया है उन्होंने। इसीलिए तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनिटी और उनको रन फॉर यूनिटी बोल के एक स्लोगन है, एक उसके लिए टैग लाइन दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि हम सभी भी यूनिटी में रहेंगे और खूब देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। और मैं कुछ कहने वाला था, जैसे कि यूनिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। नहीं हम आपस में बट के रहते हैं ना, वही प्रॉब्लम है कि हम सस्टेन नहीं हो पाते हैं। हमें सस्टेन होना है, ग्रोथ करना है, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसे हमें लड़ना पड़ेगा। गरीबी ही है क्यों नहीं, और पोल्यूशन ही क्यों नहीं है। आज देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम यूनाइटेड हैं, एक तरह की विचारधारा रखते हैं, हाँ वी हैव टू डू फॉर द नेशन, हम कुछ भी कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं। अगर एक ऑटो वाले से लेके एक ऊपर वाला प्रधानमंत्री, जब हम ऐसे सोच करते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान को फिर से विश्व गुरु बनने से कोई देश की कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। तो आज का दिन इसलिए स्पेशल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो नींव डाली थी, आज वो पूरे मतलब विश्व में दिखाई पड़ रही है। पहले हिंदुस्तान कैसा था, पहले हिंदुस्तान का एक स्वरूप नहीं था अच्छे से, बहुत सारे राज्य बटे बटे थे, लेकिन उन्होंने जब सबको मिला दिया, संगठित किया, इसीलिए तो उन्हें हम लव पुरुष कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये उपाधि इसीलिए नहीं दी गई थी, इसके पीछे बहुत योगदान रहा है उनका। उन्होंने अपने अंदर की जो मतलब उनका जो जीवन है ना, पूरा एकदम से बोल सकते हैं कि प्रेरणादायक है। वो एक प्रेरणा का स्रोत है, हमें उनके जीवन से बहुत सारी चीजें सीखनी है, और उसे सीखनी ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम भी कुछ ना उनकी तरह ना तो थोड़ा सा तो भी बन सकते हैं, कुछ देश के काम आ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद कहता हूँ, और आप सभी लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ देखने के लिए। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और सब्सक्राइब तो कर दें प्लीज़, क्योंकि ताकि हम आप लोग ना अगर ऐसा करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसी वीडियोस और बनाएं और आपको दिखाएं। तो सरदार वल्लभ भाई जी के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। जय हिंद।